आपने कमेंट्स के रिप्लाई करना बंद क्यों कर दिया आप इतने हिपोक्रेट क्यों हो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे आप पापा बनने वाले हो तो ये फीलिंग कैसी है मम्मी इनोसेंट है भोली है फंस जाती है हर जगह जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में तो आज के इस ब्लॉग में हम लेने वाले हैं ग्रीश भट्ट का इंटरव्यू लेकिन इस इंटरव्यू में मैं वो, वो बोरिंग सवाल नहीं पूछूंगी जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो आपको पता है जो आपको नहीं पता वो वैसे सवाल पूछने की कोशिश मैं करूंगी इस ब्लॉग के जरिए मेरे को कुछ नहीं पता है क्या पूछना <laughs> है सच में स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे को इन्होंने बोला कि मैं कुछ अलग क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसी को नहीं पता वो पूछूंगी मैं के मैं चलो चलो देख ठीक <laughs> है <clears throat> आ, सब है सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके चैनल का बनाया था ना उससे पहले टिकटॉक था टिकटॉक बंद हो गया था तब तो फिर मैंने कहा कुछ अलग वीडियो करनी पड़ेगी लंबी करनी पड़ेगी पहले मैंने बीबी के वाइन से प्रभावित होके अपने चैनल का नाम रखा था गिरीश भट्ट तो उसमें एक दो वीडियो भी बनाई थी बहुत गाली आ, को लोच वाली आ, तो वैसे सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी कॉमेडी वाली जो चलती है और पर आ, मजा नहीं आया व्यू तो उसको ठीक ठाक आए थे उस समय मगर मेरे को मजा नहीं आया मैं कहा, चल ये गाली देके वो वाला काम नहीं है तो फिर उसके बाद पांच छह महीने कुछ नहीं बनाया उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला कि आप ब्लॉग चैनल शुरू करो

तो जैसे कि आप थिएटर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आपने मास्टर्स इन थिएटर कर रखी है ना तो आपको पता है कि थिएटर आर्टिस्ट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने में और वैसे रील्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इन्फ्लुंसर को जो थिएटर से बिलोंग करते हो और जो सोशल मीडिया में चले गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैं भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ इस तरह का अलग से काम करूं मैं चाहता था कि आर्टिस्टिक ही काम करूं मैंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी और अभी भी अगर मैं कभी व्लॉग में पोइट्री बोल दूं, वो व्लॉग चलता ही नहीं है नहीं। अच्छी चीजों को नहीं अप्रिशिएट किया जाता मैंने पोइट्रीज लिखी शॉर्ट फिल्म्स बनाई और तो मोनोलॉग बोले डायलॉग बोले तो उनको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला जितना अप्रीशियेशन आप अपनी बीवी को टीज करके बहन को टीज करके आपको कॉमेडी रिलेटेबल लगती है जो चीजें लोगों को वो वो बहुत एंजॉय मिलियंस में व्यूज हैं अगर इतनी इंटेंस और इतनी, इतनी मतलब की मोटिवेशनल अगर आप पोइट्री बोलते हो तो, के पास। हाँ कोई नहीं वो देखना चाहता ये मैंने करके देखा था हाँ मगर आर्टिस्ट जो होते हैं, जो खुद नाटक कर रहे हैं उस समय तो सभी बहुत अच्छा अभी भी मानते हैं जो पुराने लोग आर्टिस्ट बहुत अच्छा मानते थे मगर क्या है कि आजकल नजरिया लोगों का रील बनाता है व्लॉग्स बनाता है ये हो गया है और मुझे इससे प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि मुझे रोटी ये चीज देती है मैंने नाटक भी किए उस समय उस समय मैं रोटी नहीं कमा पा रहा था खाना नहीं कमा पा रहा था मैंने अकेले सोलो नाटक करने चला गया था स्कूलों में कितने टाइम मैंने सोलो नाटक किए पच्चीस तीस मिनट अकेले पच्चीस तीस कैरेक्टर किए अकेले ने तो उस समय अप्रीसीशन तो मिला मगर पैसे नहीं मिले तो अगर जिंदगी चलानी है तो फिर आर्टिस्ट को ये भी करना पड़ता है अब क्या करें अब मेरा भी मन है कि मैं मुंबई चले जाऊं चंडीगढ़ चले जाऊं शिफ्ट हो जाऊं अब आप देख ही रहे हो कैसे हालात हैं तो क्या ही, मैं दो मिनट के लिए भी कहीं जाता हूं तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये है। okay. तो तो ये है ओके जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्हें अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जब भी कोई मेरे को मिलता है ना तो अगर कोई इतना सा भी बोलता है कि मेरा चैनल शेयर शेयर कर दो मैं हमेशा करता अगर आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो मेरे को नहीं पता मैं अपने दिल से ही कर देता हूँ मेरे को अच्छा लगता है उसका रीजन यही है क्योंकि तो मेरे को पता स्ट्रगल डेज कितने मुश्किल होते हैं कितना मुश्किल होता है कि एक किसी के सामने आना उनको मैं यही बोलना चाहूंगा पहले आप डिसाइड करो आप अच्छे किस में हो आप बोलने में अच्छे हो तो आप ब्लॉग्स कैरी करो आप अगर बोलने में अच्छे इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग uh, आप थिंग्स करते हो आप लोगों को एंगेज कर सकते हो तो जरूर आप ब्लॉग्स ट्राई करो और अगर आप में कोई टैलेंट है डांस का टैलेंट है और डांस दिखाओ सिंगिंग का टैलेंट है सिंगिंग दिखाओ पहले आप अपना टैलेंट पहचानो अगर कुछ भी टैलेंट नहीं है तो इतना कम से कम बोलने का टैलेंट हो तो आप व्लॉग्स बना सकते हो ना फिर अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे में ये अच्छा है ये अच्छा है ये अच्छा है अच्छा, उन सभी की वीडियोस बनाओ जिसको आ, आपको एक अंदाजे से बताता हूँ आपने तीन वीडियो बनाई अलग अलग तरीके की एक को साठ व्यू आए एक को अस्सी व्यू आओ एक को एक सौ दो व्यू आए जिसको एक सौ दो व्यू आए आपको ये मिल गया कि आपको वही करना है आप उसको कैरी करो 102 व्यू वाले को उसको बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते फिर वो मैंने इन्वेस्ट करना है में उसके बाद फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे ओके तो ये मेरे को लग रहा है आपकी पूरी ऑडियंस का सवाल होगा आपने कमेंट्स के रिप्लाई करना बंद क्यों कर दिया पता क्या <laughs> ये मेरे चैनल बंद करवा <laughs> उसका बहुत ज्यादा एक अलग मेरे को जो बहुत टाइम लग गया समझने में पहले तो मैंने सबके रिप्लाई करने शुरू किए मेरे को अच्छा लगता था सबके रिप्लाई करना और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को नेगेटिव कमेंट आए आते हैं तब मेरे को 90 परसेंट पॉजिटिव कमेंट आते हैं आप कभी भी पढ़ सकते हो 10 12 परसेंट लोग होंगे जो बोलते हैं और क्रिटिसाइज करना सबका हक है मैंने कमेंट के रिप्लाई पढ़ता सबके कमेंटों में ये मैं बोल रहा हूं आपको रिप्लाई करने इसलिए छोड़ दिए मेरे को लगता है वो ना ऑडियंस का अपना स्पेस है वहां पे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं अब फिल्म किसी ने रिलीज कर दी उसके बाद वो ऑडियंस के साथ लड़ाइयां थोड़ी करता फिर तुमने मेरी फिल्म को ऐसे क्या बोल दिया ऐसे क्यों कर दिया वो कर दिया वो चीज को मैं समझाऊं कि अब वो ऑडियंस का स्पेस है वो चाहे गलत बोले वहां आपस में रिप्लाई करके खेले लड़ाई करें बातचीत करें वो उनका एक स्पेस है तो मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीडम हर ऑडियंस को मिलनी चाहिए और मेरा इंटरफेरेंस उसमें नहीं बनता जो अच्छा बोलते हैं उनको तो थैंक यू सो मच थैंक यू सबको थैंक यू सो मच करता था मैं तो सभी को मेरी तरफ से अभी भी थैंक यू सो मच है वो आप कर लो कि मैंने गिरीश भट्ट ने आपको थैंक यू सो मच बोल दिया वो आपका स्पेस है जो मर्जी खेलो जो मर्जी बोलो आप आपको कोई नहीं रोकेगा ओके <laughs> <laughs> <Okay. laughs> तो आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो सबसे ज्यादा खुश आपको सबको हैरानगी होगी ये बात सुन के मेरे को मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ आप वीडियोस में देखते हो मगर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी चुप रहने में मिलती है जब मैं चुप रहता हूँ प्रभ ने कभी नोटिस किया होगा मैं दिन में कई टाइम चुप रहता हूँ तो मैं जब साइलेंस में होता हूँ ना मेरे को इतना पीस मिलता है और मेरा बिल्कुल मन नहीं होता बोलने का जब फिर बोलने का बड़ी मुश्किल से बोलता हूँ मैं तो कोशिशें होती हैं फिर <laughs> मैं बोल पड़ता हूँ मगर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा और मजा आता है पीस में चुप रहने में अगर मेरे को कुछ ऐसा मेरे को ब्लॉगिंग ना करनी पड़े ना मेरा कोई ऐसा काम कर मैं जॉब जॉब करने लग गया मैं छोड़ दिया तो कसम से बोल रहा हूँ मैं चुप ही रहूंगा <laughs> वैसे भी शादी के बाद ज्यादातर आदमी हो ही जाते हैं ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है <laughs> पौईं, <laughs> पौईं। <laughs> चलो नहीं। ये बताओ आप इतने हिपोक्रेट क्यों हो हिपोक्रेट मतलब आप एक बात पे क्यों नहीं रहते कभी भी ये एक बात पे रहना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी आपके लिए भी मेरे लिए और किसी के भी लिए भी कोई कह दे कि मैं आज मैं एक कमिटमेंट करता हूँ वो कमिटमेंट कभी ना कभी टूट ही जाएगी और वो ऐसे हो ही जाता है कोई क्या बोले अब तो आप मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करते हो राहुल गांधी जी को भी अनिल अंबानी को भी मुकेश अंबानी को बड़े से बड़ा शाहरुख खान कोई भी हो कोई भी व्यक्ति जो कैमरे के सामने आएगा वो दिख जाता नहीं। है नहीं तो हर आदमी अपनी बातों से पलटता है समय के अकॉर्डिंग पलटता है और पलटना गलत भी नहीं है जैसे अब अब मैं कहूँ की मैं पहले ब्रश करता था खाना खाने के बाद

ऐसे समाज में रहके बड़ा मुश्किल है हर चीज में मिठाई में हर जगह आपको मिली जाएगा से रोकोगे जो आप रोक रोक तो को बदलता रहता है हर कोई ही होता है और मैं मानता हूँ एक्सेप्ट करता हूँ कि ना ओके <laughs> 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 okay. जब कोई आपको अचानक से मिलता है तो आपको कैसा फील होता है बड़ा अच्छा लगता है अच्छा ही लगेगा और पहले तो मैं मैं रिएक्शन क्या मेरे पर पर मैं अच्छे से मिलता हूँ किसी को भी मिलता हूँ जो भी देख रहे हैं क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है जैसा वैसा ही ठीक है आ, ओके आप अपनी डेली व्लॉग की आ, जो आपके डेली व्लॉग्स हैं उसकी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे कि वो आपके व्लॉग्स को किस नजरिए से देखें जैसी उनकी अपनी नजर है <laughs> आदमी हर चीज को उसी तरह देखता है जिसकी जिसकी जैसी खुद की नजर होती है तो अपनी ही नजर से देखने की कोशिश कीजिए अच्छे को अच्छा बोलिए गलत को गलत बोलिए बस ओके okay. तो अब ये बताओ कि हुँ. आप पापा बनने वाले हो तो ये फीलिंग कैसी है बड़ी अच्छी फीलिंग है मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं पहले पापा बोलता था अब मेरे को कोई पापा बोलेगा <laughs> <laughs> तो अच्छी फीलिंग है और हर कोई सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे को ऐसा बोल मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं ऐसे पालूंगा मैं ऐसे पालूंगा प्लान ऐसे करूंगा प्लान कुछ भी प्लान नहीं होता जो होना होता है वो साथ करते तो, तो आप भी हो प्लान आदमी माइंड में तो चलता है कि मैं ऐसे करूंगा मैं हाँ। तो उसको ऐसे रखूंगा उसको तो मगर जो होता रहेगा वो होता रहेगा एक्साइटेड बहुत ज्यादा चलो ठीक है एक क्वेश्चन ये है कि पहले आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे अपने ब्लॉग्स में <laughs> फिर आपने अच्छी अच्छी बातें कम क्यों कर दी गर्मी अभी भी करता हूँ मैं जो नोटिस करना चाहे वो कर सकता है हाँ लेकिन आ... बहुत कम करते हो आप बहुत पता क्या सबको सब पता है पता है संदीप महेश्वरी को लोगों ने सुना है भगवत गीता सबके सामने पढ़ी है कुरान सबके सामने पढ़ा है रामायण सबके सामने पढ़ी है अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं सब कुछ पढ़ा लोगों के सामने सबको सब कुछ पता है तो अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपके अंदर आ रहा है तो आपके कर्मों से दिखने लग जाएगा लोगों को चेंजेस जो है सीखना होगा किसी ने ऐसे सीख लेगा बताने से क्या होता है कि आदमी को लगता है कि ये बता रहा है शो ऑफ कर रहा है तो मेरे को लगा कि अब धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूँ आते हैं ये जितना अभी भी बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरे को चुप्पी बहुत ज्यादा पसंद है तो कोशिश कर रहा हूं कि ना ही बोला जाए क्यों बोलना किसी को सबको सब पता है यार सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं एक ना छोटी सी गेम खेलते हैं रैपिड फायर बस क्वेश्चन तो, इतने थे एक हाँ, लास्ट में पूछूंगी तो ये है रैपिड फायर इसमें मैं अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लूंगी हाँ। ठीक है तो आपको बिना सोचे समझे फटाफट से उनके बारे में एक वर्ड बोलना है ठीक है <laughs> अब आया उठ पहाड़ के नीचे कुछ बोला गया तो और अक्षर भी नहीं मिलते इतने तो चलो लाइन पूरी लाइन बोल दो इतनी छूट दे देती हूँ चलो ठीक है वर्ड नहीं तो लाइन ओके okay. पापा प्यारे हैं बहुत ज्यादा मम्मी इनोसेंट है भोली है फंस जाती है हर जगह बड़े भैया शांत भाभी नोटी नोबिता क्यूट <laughs> आरती वो थोड़ी एक्सेप्ट बहुत करती है लोगों एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा उसको लोगों से अनिल जोशी आ, स्टेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा स्टेट फॉरवर्ड अच्छा इंसान है बीवी बीवी तो है ही प्यारी सर्वगुण संपन्न <laughs> 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 बेबे बेबे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है बड़ी प्यारी है बापूजी बापूजी तो बस <laughs> कर देते हैं ओके नन्नू

वो तो अब आएगा तभी पता लगेगा <laughs> <laughs> क्यूट है है है।, तो है 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 कि 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 शरारती प्यारा कैसा है ठीक है ओके तो लास्ट मैसेज फॉर योर व्यूअर्स लास्ट मैसेज व्यूअर्स को यही है कि अपना चिल करो और ब्लॉग को ब्लॉग की तरह देखो और अपनी टेंशनों को मुक्त तो हो जाओ जिससे माफी मांगनी है माफी मांग लो माफ करना है माफ कर दो ये एक ही जिंदगी है उसके बाद कुछ नहीं है और ये अपने आप को ही कष्ट देने वाली बात होती है अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो खुद को बहुत ज्यादा दर्द पहुंचता है हम हर 24 घंटे उस चीज को सोचते रहते हैं एक चीज जिंदगी में आप करके देखो माफ किसी को भी आप, आप सोचो किसको किसको आपने गलत बोला या किस किसने आपको गलत बोला है आप उसको माफ कर दो या माफी मांग लो आपकी जिंदगी बड़ी चिल जाएगी आप बड़े रिलैक्स हो जाओगे आपका बोझ उतर जाएगा मन का जो कहते हैं ना कि कन्फेश कर लेना जीजस उनमें लोगों में क्रिश्चन में कन्फेस uh, कर लेना वो कन्फेस करके देख लो अपने आप माफी मांग लो माफ कर दो जिंदगी चिल हो जाएगी तो ठीक है दोस्तों ये था आज का वीडियो आज का ब्लॉग गिरीश भट्ट से वार्तालाप तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन का बटन दबा देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय जय